हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी रिलेशन ऑफ टीएमजे, उसके अलावा ब्लड सप्लाई वगैरह की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में, टीएमजे की अलग अलग मूवमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूवमेंट, कौन कौन सी मूवमेंट होती है और कौन कौन सी मसल वो मूवमेंट कराती है, इसके बारे में बात इसी वीडियो में करेंगे। तो टोटल हमारे पास 5 मूवमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इज द डिप्रेशन, मतलब अगर हम हमारी चिन जो है, मतलब हमारा मुंह खोलते हैं जब जो है मैंडिबल नीचे की तरफ जाता है, और टीएमजे का मूवमेंट, वो मूवमेंट को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। जब हम माउथ को ओपन करते हैं तो डिप्रेशन, माउथ को क्लोज करते हैं तो एलिवेशन, माउथ को क्लोज करेंगे तो एलिवेशन। उसके अलावा एक मूवमेंट होती है प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन मतलब प्रोट्रैक्शन ऑफ चिन, मतलब जो चिन वाला एरिया है अगर आप उसको आगे की तरफ लेके जाओ, ऊपर नीचे नहीं आगे की तरफ लेके जाओ, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं प्रोट्रूजन। और उसी आगे वाली, जो आगे जब लेके गए हम उसको पीछे की तरफ लेके आएंगे तो उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन या फिर रिट्रूजन। उसके अलावा एक मूवमेंट होती है लेटरल, लेटरल मूवमेंट, साइड बाय साइड मूवमेंट। जब चबाते हैं ना, जिस तरह आपने देखा होगा, भैंस वगैरह को भी देखा होगा, वो चबाती है तब उनका जबड़ा भी इस तरह से घूमता है साइड बाय साइड, तो वही मूवमेंट हमारी होती है लेटरल और साइड बाय साइड मूवमेंट ड्यूरिंग चूइंग या फिर ग्राइंडिंग के टाइम पे। दो टाइम पे ये वाली मूवमेंट होती है लेटरल या फिर साइड टू साइड मूवमेंट। अब हम बात करेंगे कि कौन सी मसल ये मूवमेंट करा रही है, तो उसके लिए हमें समझना है, सिंपल सी बात है, ये डायग्राम हमें समझना है, इसके अलावा हमें कुछ दूसरा काम नहीं करना। सिर्फ ये डायग्राम समझ आ गया तो सब समझ आ गया। अब इस डायग्राम में ना हमें सिर्फ ये देखना है, सिर्फ 4 मसल है और कुछ नहीं है हमारे पास, 4 मसल्स है, इनकी हमें यूं देखना है किस तरफ डायरेक्शन है। टेम्पोरेलिस की डायरेक्शन देखोगे तो इसके फाइबर्स ऊपर की तरफ दिख रहे हैं आपको और पीछे की तरफ दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट कराएगा। मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट क्या थी, एलिवेशन। पीछे की तरफ मूवमेंट क्या थी, रिट्रैक्शन। याद है ना, चिन को पीछे लेके गए तो रिट्रैक्शन, माउथ को क्लोज किया तो एलिवेशन। तो टेम्पोरेलिस जो है वो 2 चीजें कराती है, एक तो पीछे की तरफ लेके जाएगी मतलब रिट्रैक्शन, और एक ऊपर की तरफ लेके जाती है मतलब एलिवेशन। तो कौन कौन सी मूवमेंट कराती है टेम्पोरेलिस, देखो ना, डायरेक्शन डायरेक्शन याद करनी है। टेम्पोरेलिस डायग्राम बना लो, ऊपर की तरफ और इस तरह जा रही है, बस सिंपल है। टेम्पोरेलिस हमें पता है, टेम्पोरेलिस क्या क्या कराएगी, अब पीछे की तरफ मतलब रिट्रैक्शन, ये रहा यहाँ पे, ऊपर की तरफ मतलब एलिवेशन, यहाँ पे भी है। अब कुछ चीजें याद रखनी है कि टेम्पोरेलिस के जो मिडल ओब्लीक फाइबर्स है, मतलब एंटीरियर ओब्लीक वर्टिकल को भाड़ में जान दो, हमें क्या याद करना है कि जो टेम्पोरेलिस के मिडल फाइबर्स हैं और एंटीरियर फाइबर्स हैं वो कराते हैं एलिवेशन मूवमेंट, और टेम्पोरेलिस के जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो कराते हैं रिट्रैक्शन। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, रिट्रैक्शन मतलब पीछे लेके जाना, पीछे लेके जाने का काम कौन करेगा, टेम्पोरेलिस के पीछे वाले फाइबर्स मतलब पोस्टीरियर फाइबर्स। तो ये हॉरिजॉन्टल ओब्लिक याद नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पोरेलिस के एंटीरियर और मिडल फाइबर्स कराते हैं एलिवेशन और टेम्पोरेलिस के पोस्टीरियर फाइबर कराते हैं रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब चिन को पीछे की तरफ लेके जाना, इस तरह से समझो, ये है हमारा और ये ऊपर वाले दांत है, तो चिन को इस तरह पीछे की तरफ ले जाओगे, ये ऊपर वाले दांत है, ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनाया मैंने, ये नीचे वाले दांत है, चिन को पीछे की तरफ ले जाओगे तो ये रिट्रैक्शन है, और इसी में अगर चिन को आगे की तरफ लेके जाते, ये दांत है मान लो और ये ऊपर वाले दांत है, तो देखो अब चिन आगे की तरफ गया हुआ है, तो ये है हमारी प्रोट्रूजन, ये प्रोट्रूजन है और ये वाली जो है ये रिट्रैक्शन है। तो अब चलते हैं सेकंड मसल, हमने पहली मसल कंप्लीट कर ली टेम्पोरेलिस, हम मूवमेंट्स पे नहीं जाएंगे, हम मसल पे जाएंगे डायरेक्टली। टेम्पोरेलिस का हमें पता है कि पीछे और ऊपर लेके जाएगा, बात खत्म। अब नेक्स्ट मसल ले लेते हैं लेटरल टेरिकॉइड, डायरेक्शन देखो इस तरफ जा रही है आगे की तरफ और थोड़ी सी नीचे की तरफ है, तो लेटरल टेरिकॉइड क्या कराएगी, लेटरल टेरिकॉइड नीचे की तरफ भी लेके जाएगी और आगे की तरफ, आगे की तरफ मतलब प्रोट्रूजन, नीचे की तरफ मतलब डिप्रेशन। तो भाई लेटरल टेरिकॉइड 2 ही जगह देखने को मिलेगी, डिप्रेशन में और प्रोट्रूजन में। अब लेटरल टेरिकॉइड ढूंढते हैं, देखो डिप्रेशन में लेटरल टेरिकॉइड, प्रोट्रूजन में ये रही लेटरल टेरिकॉइड, ठीक है। तो 2 मसल यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड मसल मीडियल टेरिकॉइड। अब मीडियल टेरिकॉइड कहाँ जा रही है, देखो आगे की तरफ जा रही है ना, तो आगे की तरफ, उसके अलावा थोड़ी सी ऊपर की तरफ है तो ये वाली मूवमेंट कराएगी। तो मीडियल टेरिकॉइड हमें 2 जगह मिलेगी, एक ऊपर वाली मूवमेंट में और एक आगे वाली, आगे वाली मतलब प्रोट्रूजन, ऊपर वाली मतलब एलिवेशन, तो सिंपल सी बात है। तो मीडियल टेरिकॉइड हमारी थर्ड मसल है, क्या क्या कराएगी मीडियल टेरिकॉइड, क्या कराएगी, ऊपर और आगे, ऊपर मतलब एलिवेशन, तो मीडियल टेरिकॉइड ये रहा हमारा एलिवेशन के अंदर, और आगे मतलब प्रोट्रूजन, तो ये रहा हमारा मीडियल टेरिकॉइड प्रोट्रूजन के अंदर भी है। उसके बाद जो आखिरी मसल है वो है मैसेटर,
मैसेटर मसल की डायरेक्शन देखोगे तो थोड़ी सी पीछे भी होती है, थोड़ी सी ऊपर भी होती है और थोड़ी आगे भी होती है। तो मैसेटर हमें याद रखना है कि मैसेटर नीचे वाली मूवमेंट को छोड़ के सब मूवमेंट कराता है। बाकी मसल हमने देख ली, मैसेटर में क्या याद रखना है कि नीचे मतलब डिप्रेशन नहीं कराएगा टीएमजे का, बाकी सारी मूवमेंट कराएगा। मैं सारी में मेरा मतलब लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट अलग छोड़ दो, सारी का मतलब है इन चारों की बात कर रहा हूं मैं अभी। इन चारों में से कौन सी छोड़ देंगे? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को छोड़ के बाकी तीनों मूवमेंट में मैसेटर आएगी। तो मैसेटर की बात करें तो मैसेटर देखो एलिवेशन में भी है, मैसेटर प्रोट्रूजन में भी है और मैसेटर रिट्रैक्शन में भी है। कुछ फाइबर्स तो मैसेटर के सुपरफिशियल जो फाइबर्स है ना, सुपरफिशियल ओब्लिक फाइबर्स होते हैं वो कराते हैं प्रोट्रूजन, और जो डीप फाइबर्स होते हैं वो कराते हैं रिट्रैक्शन। डीप हैं तो पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सुपरफिशियल फाइबर्स आगे की तरफ लेके जाएंगे, और एलिवेशन में ऐसा कुछ नहीं है, एलिवेशन जो है पूरी मैसेटर आएगी वहां पे। तो ये हमने बात कर ली मसल के रिलेशन में, ठीक है। मसल वाला आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैंने एक एक मसल को पकड़ के मूवमेंट बता दिया आपको। तो सिंपल ऐसे याद रखना है हमको, टेम्पोरलिस ऊपर पीछे, मीडियल टेरिगॉइड ऊपर आगे, और लेटरल टेरिगॉइड आगे और नीचे, ठीक है। उसके देखो इस तरह से भी कर सकते हो, मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड को एक तरह से पकड़ लो, मीडियल टेरिगॉइड आगे लेके जा रहा है, लेटरल टेरिगॉइड भी आगे लेके जा रहा है, तो दोनों टेरिगॉइड जो है वो आगे तो लेके जाएंगे, लेकिन मीडियल टेरिगॉइड ऊपर भी लेके जाता है, लेटरल टेरिगॉइड नीचे लेके जाता है। बस ये फर्क है मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड में, ये फर्क है कि मीडियल टेरिगॉइड ऊपर लेके जाता है, लेटरल टेरिगॉइड नीचे लेके आता है। मैसेटर तो सबसे अलग है ही, नीचे छोड़ के हर जगह लेके जाएगा, और टेम्पोरलिस ऊपर और पीछे की तरफ लेके जाता है। तो ये तो मैंने इस तरह से बात कर ली। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं याद करने का। डिप्रेशन में याद करो, मतलब नीचे वाली मूवमेंट सिर्फ एक मसल, डिप्रेशन में सिर्फ एक मसल कौन? लेटरल टेरिगॉइड, मतलब चिन को जो हमारा टीएमजे है उसकी डिप्रेशन नीचे वाली मूवमेंट कौन कराएगा? सिर्फ और सिर्फ लेटरल टेरिगॉइड। तो डिप्रेशन में और कोई आने वाली नहीं है, सिर्फ लेटरल टेरिगॉइड नीचे वाले में आएगी। और दूसरा हमें पता है कि लेटरल टेरिगॉइड नीचे आ रही है तो मीडियल टेरिगॉइड क्या कराएगी? ऊपर आएगी, तो मीडियल टेरिगॉइड एलिवेशन में आएगी, ठीक है। उसके अलावा मीडियल टेरिगॉइड आगे भी लेके जा रही थी, तो लेटरल टेरिगॉइड मीडियल टेरिगॉइड दोनों प्रोट्रूजन भी कराती हैं। मैसेटर तीनों में आ गया, डिप्रेशन में तो आएगा नहीं वो। तो ये हमने बात कर ली मूवमेंट्स की। अब बात करते हैं एक जो मूवमेंट मैंने अलग से रखी है, वो है लेटरल या फिर साइड टू साइड मूवमेंट। अब भाई इसको कैसे याद करें? लेटरल जो मूवमेंट है मैंने बताया चबाने में मदद करती है, चबाते हैं तब ये वाली मूवमेंट होती है। जब हम च्यूइंग करते हैं उस टाइम पे अगर हम लेफ्ट साइड में चबा रहे हैं, लेफ्ट साइड से अगर हम चबा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से च्यू करने में कौन सी मसल हेल्प करती है? तो लेफ्ट साइड है तो इसमें मसल तो चारों आएंगी, देखो मसल आएंगी चारों, चाहे लेफ्ट साइड से चबाओ चाहे राइट साइड से चबाओ, लेटरल या साइड टू साइड मूवमेंट में सारी की सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब बस ये बात है कि कौन सी साइड की है। अब लेफ्ट साइड से चबा रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट साइड की मसल्स काम करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेफ्ट साइड से जब चबाते हैं तो लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड जो ग्रुप है वो अलग चला जाता है। दोनों में हम पढ़ेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से चबा रहे हो चाहे राइट साइड से चबा रहे हो, सिर्फ जो टेरिगॉइड ग्रुप है वो अलग चलता है, सबसे अलग चलेगा, कोई काम ढंग से नहीं करना इनको टेरिगॉइड्स को। यहां पे इकट्ठे चल रहे हैं, वैसे मूवमेंट जब देखी थी तब उल्टी सीधी थी, मीडियल टेरिगॉइड ऊपर लेके जा रहा था, लेटरल टेरिगॉइड नीचे लेके जा रहा था, लेकिन यहां पे दोनों की दोनों साथ आ गई और दोनों उल्टा काम कर रही है। मतलब लेफ्ट साइड से च्यू करना है या चबाना है तो वहां पे राइट साइड की लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड काम आती है, मसल चारों काम आएंगी, बस टेरिगॉइड्स जो है वो राइट साइड की होंगी और टेम्पोरलिस और मैसेटर जो है वो होंगी लेफ्ट साइड की। आर का मतलब है राइट साइड, एल इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, तो मैं लिख देता हूं आर इज इक्वल टू राइट साइड, एल इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट साइड की टेरिगॉइड्स लेफ्ट साइड की चबाने में मदद करेंगी और लेफ्ट साइड की टेरिगॉइड्स राइट साइड में चबाने में मदद करेंगी, ये उल्टा होता है बस, बाकी सब सेम है। टेम्पोरलिस मैसेटर लेफ्ट साइड की ही होंगी और इसमें टेम्पोरलिस मैसेटर राइट साइड की होंगी, तो लेफ्ट साइड की मूवमेंट में टेरिगॉइड राइट साइड की होंगी, टेम्पोरलिस मैसेटर सेम लेफ्ट साइड की होंगी, लेकिन राइट साइड की मूवमेंट में टेरिगॉइड्स लेफ्ट साइड की होंगी और टेम्पोरलिस मैसेटर राइट साइड की होंगी, ठीक है। अब जो टेरिगॉइड्स हैं उनका काम क्या होता है, जैसे लेफ्ट साइड में हम च्यू कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जब हम खाना खा रहे होते हैं तब जो टेरिगॉइड्स हैं वो चिन को लेफ्ट साइड में ले जाने का काम करती हैं। क्या काम होता है टेरिगॉइड्स का? चिन को लेफ्ट साइड में पुश करना, और जो टेम्पोरलिस मैसेटर है इनका काम होता है चबाना।
तो मेन चबाने का काम टेम्पोरलिस मैसेटर करती हैं, चिन को लेफ्ट साइड में लेके जाती है टेरिगोइड्स लेफ्ट साइड वाली मूवमेंट में, और राइट साइड वाली मूवमेंट में टेरिगोइड्स जो है चिन को राइट साइड में ले जाएंगी। इनका तो काम तो सेम है टेम्पोरलिस मैसेटर का। तो ये हो गई हमारी लेटरल मूवमेंट। तो इस वीडियो में हमने बात की सारी मूवमेंट्स के बारे में। इस तरह से हमारा टीएमजे जो है वो खत्म होता है। डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं इस टॉपिक में, अगर टॉपिक आए तो डायग्राम में ये वाला बनाना है और मूवमेंट वाले में डायग्राम ये वाला बनाना है, ठीक है? दो डायग्राम बहुत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये टॉपिक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।